क्या नाम है आपका, कहाँ पे आप जो है कंट्रोल रूम को हेड कर रहे हो? मेरा नाम है लोकेश कुमार, मैं बरसाना का बरसाना हूँ और ये माताजी गौशाला सेवा संस्थान मानपुर बरसाना में स्थित है। यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट है, जिस बायोगैस प्लांट की जो गैस है उससे ये जनरेटर चलता है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लगभग 100 किलोवाट, और मैक्सिमम 5 घंटे में ये 300 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो किस तरह और से ये गैस बनती है यहाँ पे, क्या इसका सिस्टम है, कितने साल से यहाँ बना रहे हैं, और महाराज जी को किस तरह गैस से इसका एक एक सोच आया? गैस 5 साल से लगभग बन रही है। ये 5 साल पहले डेवलप किया गया था इस प्लांट को, और 5 साल से कंटिन्यू ये टरबाइन भी अपने पास एक जनरेटर है ये, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अपनी बिजली बनती है। बिजली से अपने पंखे मोटर पानी की सब कुछ चलता है। तो ये जो एकदम जो गाय के गोबर से बिजली बनाने का कैसे कॉन्सेप्ट आया, किस तरह से इसका? वो सर उसके बारे में हमारे हेड हैं, वो अच्छे से बता पाएंगे। सब श्री जी की कृपा है, बाबा महाराज की कृपा है, बस हम तो इतना ही कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पे गोबर से 300 यूनिट बिजली पर डे बनानी जाती है? हाँ, 300 से ज़्यादा भी बन जाती है, वो डिपेंड करता है गैस के ऊपर। 700 700 तक बनाइए, 800 800 तक पर डे। जी जी क्या नाम है आपका, और यहाँ जो गौ माता जी आश्रम में गौशाला में जो गोबर के गैस से बिजली बनने का प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने दिन से चला और कैसे उसका दिमाग में सोच आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए? जय श्री राधे। मेरा नाम ब्रजेंद्र शर्मा है, माता जी गौशाला में मैं सेवा देता हूँ। सबसे पहली बात है, जो गोबर गैस के लिए आपने पूछा है, तो हम लोग जब गौशाला बना रहे थे, बनाते 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 शास्त्रीय एक श्लोक सामने आया कि गौ मैं बसते लक्ष्मी, कि गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। अब वो वास लक्ष्मी का कैसे है, तो उसको कैसे निकाला जाए लक्ष्मी को, इसके ऊपर मनन होना शुरू हुआ। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो एक चंद्रमोहन जी करके हैं, जो चंडीगढ़ के हैं, उनकी मैडम भी हैं बेवा जी, वो दोनों ही इस चीज़ के ऊपर फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और उसके ऊपर गोबर गैस प्लांट का एक मॉडल तैयार किया। उन्होंने पहले छोटे छोटे मॉडल तैयार किए, लेकिन उससे सक्सेस नहीं मिल रही थी कि गोबर से गैस बना लें तो सर रसोई बना लें या कोई, मतलब इस तरह की गोबर गोबर गैस प्लांट का, लेकिन कहीं एक लाइन पर लाइट अप नहीं हो रहे थे। बाद में जब उन्होंने रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना किया, जर्मन भी जा कर के आए वो लोग, तो उनको ये लगा कि इसका एक बड़ा रूप दिया जा सकता है गोबर से गैस बनाने और उससे बिजली भी उत्पादित की जा सकती है। उसके बाद में 6 7 साल से गोबर गैस प्लांट का हमारा ये प्रोसेस चालू हुआ, और उसमें से जब गैस निकलना शुरू हुआ तो फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे देखता है, फिर उसके बैलून तैयार करवाए गए, वो भी सब जर्मन टेक्नोलॉजी से लेकर के आए थे। और उसमें जब गैस के, आपने देखा होगा वहाँ जा कर के आए हैं, तो गोबर गैस के बैलून टाइप के बने हुए हैं, उसमें गैस भर ली जाती है, फिर जनरेटर उससे जनरेट किया जाता है। तो करीब 361 KVA का जनरेटर है जिससे बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं, और उसी से हमारी गौशाला की बिजली, जब लाइट नहीं होती है तो उसी से हम काम में लेते हैं पूरी गौशाला का। अगर बात करें तो जिस तरह से बिजली का प्रदेश में हो या देश में महंगाई और उसकी किल्लत देखने को मिल रही है, तो क्या सरकार, अगर मान लीजिए कि गौशाला बहुत है वहाँ के गोबर को अगर इस्तेमाल करते, इस तरह से बिजली के एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट निकल देखिए, सकता सबसे है? बड़ी बात है कि इतना गोबर उपलब्ध होना चाहिए। आज अगर हम देखें तो जगह जगह छोटी 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 गौशाला बनी हुई है, कहीं 100 गाय, कहीं 50 गाय, कहीं कुछ है, तो इससे वो एक बल्क के ऊपर काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब गौशाला गाय इकट्ठी होंगी, गोबर एक जगह इकट्ठा होगा, तो ही जाके ये संभव होगा। तो सरकार या तो इस तरफ ध्यान दे, ये छोटी छोटी गौशाला है उनको ले जा करके एक जगह रखें, या फिर गोबर की कलेक्शन इतनी हो एक जगह जा करके पहुंचे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कार्टेज बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अपने यहाँ पे गौशाला में कितनी गाय हैं जिनकी यहाँ पे सेवा दी जा रही है? करीब हमारे यहाँ 60 हज़ार के लगभग गाय हैं, 55 से 60 हज़ार के बीच में है, 55 से नीचे नहीं है, 60 से ऊपर नहीं है। जिस तरह से आज के बेला योगी जी की सरकार है, सरकार गौ पे बड़ा काम कर रही है, गौ को लेकर के बड़ी योजना है, लेकिन देखा जाता है धरातल पे गौ की बड़ी जो है दुर्दशा देखने को मिल रही है। उनके लिए भले ही सरकार कुछ डोनेशन दे रही है, लेकिन क्या लगता है उस जो कुछ पैसे जो रुपए जो गौशालाओं में गौ के नाम पे दिए जा रहे हैं, क्या वो काफी है? देखो भैया, सबसे बड़ी बात है कि
सरकार कितना पैसा दे रही है, सबसे बड़ा प्रश्न है वहां कि 30 रुपए से अगर वो गाय के लिए पैसा दे रही है तो वो गाय पालन वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है, 30 रुपए में क्या कर लेगा। जब तक हम हैंडसम अमाउंट गाय पालने वाले को या किसान को नहीं देंगे तब तक वो गाय को पालेगा नहीं। अब ये जो पैसा है वो छोटी छोटी गौशालाओं को जा रहा है, उनको ये है कि कुछ हेल्प मिल जाती है, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं कि गौशाला बन रही है और चल रही है। किसी को मान लीजिए सब्जी बनानी है तो सब्जी में क्या जीरे की जरूरत है, कितना जीरा पड़ गया, पर सब्जी तो बाकी रह गई ना। इसी ढंग से जब तक सरकार इनकी तरफ गौशालाओं की तरफ, और मैं तो कहता हूँ गौशाला की तरफ ही ना ध्यान दे, ध्यान दे किसानों की तरफ, ग्रास रूट के ऊपर काम करवाए, पटवारियों को लगाए, ठीक है तहसीलदारों को लगाए, जो ग्राम सेवक है उनको लगाए कि भाई गाय पालो आप लोग, उनको हैंडसम अमाउंट दिलवाए, फिर उनसे गोबर परचेज करें। और एक जगह का जैसे मथुरा ही है, मथुरा जिले में एक यूनिट ऐसी बनाए बड़ी कि जहाँ गोबर कलेक्ट होता रहे, उनका कलेक्शन के लिए उनका वो करें।